स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। मित्रों, आज की वीडियो अत्यंत विशेष है, जिसकी प्रतीक्षा लगभग हर सनातन धर्मी को होगी। आज की वीडियो में हम सिद्ध करेंगे 15 लाख वर्ष पूर्व अर्थात त्रेता युग में मानवों की स्थिति। आज वो समस्त भ्रांतियां निवृत्त हो जाएगी। जो भी इवोल्यूशन थ्योरी को मानते हैं या श्री रामचंद्र की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते या रामायण पे सवाल करते हैं कि उस समय पे कभी रामायण हुई नहीं, आज की वीडियो में ये सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रमाण जिसको आपने समस्त यूट्यूब जगत में आज तक नहीं सुना होगा। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के अंत होते ही कमेंट करके हमें अवश्य ही आपके विचार इस वीडियो पर अवश्य लिखिएगा। आज की वीडियो में समस्त नास्तिकता की जड़ें हिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो आरम्भ करते हैं। मित्रों, कुछ नास्तिक गिरोह है जो ये कहते हैं कि मानव तो आज से 15 लाख वर्ष पूर्व हो ही नहीं सकता, और ये उनको भ्रांति इवोल्यूशन थ्योरी की वजह से होती है। आज इस इवोल्यूशन थ्योरी के खंडन में ऐसे प्रमाण हम दिखाएंगे जिसके बाद कोई भी नास्तिक या भ्रांति फैलाने वाले अपने प्रोपेगेंडा में सफल नहीं हो पाएंगे। आज हम आपको रिसर्च जनरल से एक ऐसा एम्पिरिकल प्रूफ देने वाले हैं जिसे जानने के बाद हर सनातन धर्मी बड़े उत्साह से इन नास्तिकों को उत्तर दे सकेगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको वो रिसर्च पेपर। तो इस रिसर्च पेपर का टाइटल है फाइटोलिथ्स एज इंडिकेटर ऑफ क्वार्टरनरी वेजिटेशन एट द पैलियोलिथिक साइट ऑफ अत्तरीपक्कम इंडिया। ये रिसर्च पेपर एकेडमिया द्वारा साइंस डायरेक्ट पर पब्लिश हुई है। मैं इस रिसर्च पेपर की पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आर्टिकल एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल है और जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस सेक्शन की ये आर्टिकल है, अर्थात बहुत प्रमाणिक आर्टिकल आपको दिखाने जा रहे हैं। इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद समस्त नास्तिकों की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और त्रेता युग में भी मानव की सिद्धि हो जाएगी। इसके द्वारा रामायण को भी हम सिद्ध करेंगे और आज जितने भी भ्रांति है रामायण पर उठ रहे हैं सब निर्मूल कर देंगे। इस रिसर्च पेपर में क्या लिखा है पढ़ते हैं। द पैलियो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ होमिनिन ऑक्यूपेशन इन साउथ एशिया ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिडल प्लेस्टोसीन इज वर्चुअली अननोन। अभी पूरा ज्ञात नहीं हुआ इन्हें। अत्तरीपक्कम इंडिया इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस विद एन अर्ली एचुरियन ऑक्यूपेशन एज ब्रैकेट ऑफ 1.07 to 1.77 MA, यानी कुछ 17 लाख वर्ष तक जा रहा है। सक्सीडेड बाई मिडल पेलियोलिथिक लेवल्स, अर्थात साउथ इंडिया में एक जगह है अत्तरीपक्कम, यहाँ उत्खनन करने वाले और पुरातत्वविदों को पैलियोलिथिक लेवल्स यानी जो धरती की एक परत दर परत होती है उसके बहुत नीचे अर्ली एचुलियन ऑक्यूपेशन, अर्थात बहुत प्रारंभिक ये जो एचुलियन व्यवसाय है उसके प्रमाण मिले हैं, अर्थात व्यवहार चलता था उस समय के। मैं जानता हूँ आप ये पढ़ करके हैरान हो रहे हैं, लेकिन ये हैरानी वाली ही बात हो सकती है इवोल्यूशनिस्ट के लिए। भला बंदर लोग भी ऑक्यूपेशन और व्यवहारात्मक क्रियाएं करने लगे थे आज से 17-15 लाख वर्ष पूर्व, और वो भी इन लोगों को अभी अज्ञात है, इसलिए यहाँ पे अननोन भी इन लोगों ने लिख रखा है। आगे देखिए तो यहाँ पर इनको क्या मिला उस पर लिख रहे हैं। हियर वी रिपोर्ट ऑन द रिकवरी ऑफ फाइटोलिथ्स फ्रॉम आर्टिफैक्ट बियरिंग क्वार्टरनरी डिपॉजिट्स इन एक्सकेवेटेड ट्रेंचेस। यहाँ इनको खुदाई के दौरान कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट बियरिंग क्वार्टरनरी डिपॉजिट्स यानी अवशेष देखने को मिल रहे हैं जो कि नेचुरली हो ही नहीं सकता। ये किसी बुद्धिशील प्राणी के व्यवसाय के तुल्य इसको कह रहे हैं। अब वो प्राणी कौन था, कैसा दिखता था, इसका कोई भी अवशेष वहाँ मिला नहीं है, केवल उसके सबूत यहाँ चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। आगे वे लिख रहे हैं कि यहाँ पर पैलियोस्टीन की शुरुआती अवस्था में धरती के शुष्क होने और वहाँ बहुत सारे शाकाहारी वनस्पतियों के अवशेष मिलने जो कि फार्मिंग की गई थी। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, रिजल्ट शो दैट दिस रीजन वॉज एरिड ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द अर्ली प्लीस्टोसिन एंड वॉज ऑक्यूपाइड बाई होमिनिन लिविंग्स
इन अ लैंडस्केप लोकली लैकिंग वुडी प्लांट्स। हर्बेशियस वेजिटेशन वॉज डोमिनेटेड, शाकाहारी लोग थे। जो वेजिटेशन किया जा रहा है वो शाकाहारी लोगों ने किया था और वही सबसे बहुल्य रूप में मिले हैं। अर्थात ये अवधारणा भी टूटते हुए दिख रही है, जो कहते हैं कि पहले शिकार करके ही सिर्फ खाते थे, मांसाहारी थे, ये अवधारणा यहाँ पे टूट गई। सिर्फ वहाँ पे हर्बेशियस वेजिटेशन का प्रमाण मिल रहा है, जिसे हम हमारी भाषा में त्रेता युग में शाकाहार के प्रमाण को कह सकते हैं। आगे स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, डाइवर्स हस्क एंड लीफ फाइटोलिथ असेंबलेज ऑफ वाइल्ड ओराइजा एसपीपी राइस अक्योरिंग एज नेचुरल एनुअल और पेरिनियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेजिटेशन इन द एरिया। अदर हर्बेशियस प्लांट सच एज साइपरेसी सेजेस and the continuous presence of the blackened phytolith suggest the establishment of grassland landscape with enclaves of wetland habitat affected by seasonal flooding and frequent fires। अर्थात यहाँ C4 क्लोराइड घास की बहुल्य और कमी आने से, वातावरण में कुछ ह्यूमिडिटी बढ़ने और घटने से इन सारे प्लांट्स की फॉसिल में परिवर्तन हो गई, जिसके वजह से आज राइस हार्वेस्टिंग का अवशेष हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन मानवों ने किस तरह की खेती की थी, तो उसके लिए लिखा है ओराइजा, ये जो कि राइस का एक स्पीशीज होता है, यानी राइस का ही एक भेद है, इसकी यहाँ पर हार्वेस्टिंग के स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल रहा है। और कब मिल रहा है, आज से 15 लाख वर्ष पूर्व, उससे भी पूर्व। मतलब यहाँ राइस के जो भूसी हम जो काटने के बाद जो रह जाता है उसके अवशेष यहाँ मिल रहे हैं, जिसे ये लोग ओराइजा को डिटरमाइन कर दिए, आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और भी बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स सच एज साइपरसी सजेस, यानी यहाँ पे जड़ी बूटियां उगने के भी प्रमाण है। अब भैया पुराने समय में कौन सा बंदर जड़ी बूटी उगाता था, ये तो आयुर्वेद का प्रमाण है और इंडिया में मिला है, तो एक ही सभ्यता सबसे प्राचीन है, आर्यावर्त की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता। तो ये जो भी हर्बेशियस प्लांट्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे आयुर्वेद को सिद्ध करते हैं, और इसे भी ये लोग नेचुरल नहीं कह रहे हैं, ये अननेचुरल और फार्मिंग का प्रमाण है। और काले रंग के फाइटोलिथ की निरंतर उपस्थिति भी देखने को मिली है, आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है suggest the establishment of grassland landscape with enclaves of wetland habitat affected by seasonal flooding and frequent fires। वहाँ पे कुछ आग भी लगाते थे ये लोग, जैसे आज देखते हैं कि बहुत सारे हम खेतों को लोग आग लगा के उसको, उसके जो भूसे होते हैं उसको जला देते हैं, वैसे भी प्रमाण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और उसी की वजह से यहाँ पे लिखा है द कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ ब्लैक एंड फाइटोलिथ्स, उसके अवशेष इस वजह से देखने मिल रहे हैं। और जितने लोग ये कहते थे कि आज से 9 लाख वर्ष पहले तो कोई रामायण ही नहीं हुई या फिर कोई मानव की उपस्थिति नहीं मिलती है, उन पर ये एक गहरा तमाचा है। चावल की खेती सबसे कठिन खेती होती है, जिसके अंदर इतनी बुद्धि लगती है। अगर व्यक्ति उतनी बुद्धि लगा करके चावल की खेती कर रहा है और वो मांस को त्याग कर शाकाहार अपना रहा है, इसका मतलब ये एक मननशील प्राणी का लक्षण है, और मननशील प्राणी को ही हम मनुष्य कहते हैं संस्कृत में। मनुष्यों की सिद्धि इस प्रकार से होती है, यदि आप लोगों में कोई गाँव इत्यादि में रहता है तो वो जानता होगा कि राइस के फार्मिंग में इतनी ज़्यादा बुद्धि खर्च होती है कि उसको पहले आप स्टोर करके ग्रेन्स रखते हो, फिर उसको ठीक मौसम आने पर उपजाऊ भूमि पर बोते हो, फिर उसके अंदर पानी का एक बांध बनाना पड़ता है, पानी कहाँ से स्टोर करके उसके अंदर लाया जाएगा, इसके लिए उसके पास एक स्टोरेज कुछ मेटल के या फिर किसी कपड़े के ही बैग मान लो या चमड़े के ही बैग मान लो, ये सब बनाने की भी कला आनी चाहिए, फिर वो पानी स्टोर करके वहाँ पे लाएगा। फिर उन सारे चावल की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से कितने काल में बनते हैं, उगते हैं, फिर उसके बाद पकेंगे, फिर उसको कटाई होगी, सही बारिश कब किया जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो चावल होता है उसको एक बार एक बांध में उसको बढ़ाया जाता है, फिर उसको वहाँ से उखाड़ कर फिर दूसरे खेती में उसको बोया जाता है। ये सारा नॉलेज आज से 17 लाख साल पहले कैसे पॉसिबल है, जब ये लोग कहते हैं कि लोग भूखे नंगे घूमते थे, बंदरों की तरह लोग थे, चलना ठीक से नहीं आता, उनके डेवलप नहीं थे सारे ऑर्गन, उस समय पे ये हार्वेस्टिंग का प्रमाण क्या कहता है। ये रिसर्च पेपर है, जर्नल में छपी है। मूर्ख लोगों को क्या करना है, सिर्फ झूठ बोलना है और रामायण इत्यादि पर प्रश्न खड़े करना है। लेकिन वहीं जब मानव के अवशेष इतने प्राचीन प्राचीन मिल रहे हैं, और वहां पे तो कोई बंदर का अवशेष भी नहीं मिला, कोई भी बंदर की स्केलेटन नहीं मिली, ना तुम्हारे होमो इरेक्टस मिले, ना ही तुम्हारा होमो हैवीली मिला, तो ये तर्क तो कहना ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, उल्टा यहाँ पे अज्ञात है सब कुछ। और भारत में मिला है तो भारत तो आर्यों की भूमि है। जो तुम कहते हो कि अफ्रीका इत्यादि में ही सब मानव उत्पत्ति हुई है, तो ये देखो सबसे प्राचीन भारत के अंदर मानव अवशेष के प्रमाण। अब ये पूरा नदी पार करके किस प्रकार से भारत पहुंच गया, इसका भी जवाब जरूर देना।
अब भारत में ही आकर के इसको ये सारी ज्ञान हो गई जो तुम्हारे भूमि पर हुआ ही नहीं इसको, है ना। आगे ये चित्र देखिए, यहीं पर अत्तरीपक्कम में ये भारत में मिला है। इसकी सैटेलाइट व्यू और किस प्रकार से धरती की परत काट करके ये हार्वेस्टिंग का प्रमाण मिला है, ये स्क्रीन पर देख लीजिए। आगे देखिए, डिस्पाइट द वेल डॉक्यूमेंटेड प्रेजेंस ऑफ एचलिन एंड मिडल पैलियोलिथिक कल्चरल फेजेस इन इंडिया, वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन टू होमिनिन पैलियोइकोलॉजी हैज दस फार बीन अवेलेबल। अ फ्यू साइट्स हैव यील्डेड मैक्रोबोटेनिकल रिमेन्स कॉर्विनस 1983, बट एविडेंस कंसर्निंग पैलियो वेजिटेशन इज एट बेस्ट इनडायरेक्ट। इसमें यही बताया जा रहा है कि एचलिन पीरियड का तो भारत के अंदर बहुत अच्छे प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन होमिनिन प्रजाति क्या मिला है इसके तो बहुत ही कम जानकारी है। अर्थात अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि ये मानव के हैं या बंदर के हैं, क्योंकि वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन ऑन होमिनिन पैलियोइकोलॉजी विद ग्रासेस अदर हर्ब्स एग्जाम्पल एस्टरेसी एंड कल्टिवेटेड लिगम्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मॉडर्न वेजिटेशन। ये देखिए स्क्रीन पर वो फाइटोलिथ्स अवशेष जो कि उस परत में मिली है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हार्वेस्टिंग बहुत पहले हुए करती थी यहाँ पे राइस की। इसके नीचे इसके फिगर के बारे में डिटेल्स भी दी है, उसे पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है, फाइटोलिथ्स फ्रॉम मॉडर्न वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड राइस हस्क। राइस हस्क का मतलब होता है चावल की कटाई के बाद जो भूसी बच जाती है उसके अवशेष, फाइटोलिथ्स। ये एक मड़ी एरिया में मिलते हैं, जो कि मतलब चावल हम अगर बोते हैं जानते होंगे तो वो कुछ दलदल और भूमि को पूरा पानी से दलदल रूप में करके चावल को उसमें बोया जाता है, वही अवशेष यहाँ पर भी मिला गया है। अगर वो दलदली किया गया वो भी एक मानव एग्जिस्टेंस और खेती के प्रमाण है, क्योंकि उसको हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल से उस पूरे के पूरे भूमि को दलदलिया बनाया जाता है, बहुत बार उसके ऊपर हल चलाया जाता है, उसको एकदम नर्म बना दिया जाता है, तब जाके वहाँ पे चावल की खेती पॉसिबल होती है। वही आज से 17 लाख साल पहले वहाँ पे हमें मिला है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और वैसे भी आर्कियोलॉजिस्ट और उत्खनन विभाग जो कहती है वो ज्यादा प्रमाणिक होता है, न कि ये साइंस जर्नी और ये मूर्ख नास्तिक। ये सारी खेती के प्रमाण अननेचुरल है, नेचुरल हो ही नहीं सकते, और ये मैन मेड का पूरा सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा का सारा रिसर्च पेपर दे दूंगा। एक नहीं बहुत सारे टाइप के यहाँ पे राइस सप्लीमेंट्स के भूसी मिले हैं, उसके हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और हाँ, ऐसा ही प्रमाण एक श्रीलंका में भी मिला है, अभी वो भी हम दिखाने वाले हैं। वहाँ भी सेम टू सेम ऐसा ही राइस हार्वेस्टिंग का प्रमाण मिला है, वहाँ पे तो जलने के भी प्रमाण मिले हैं, ऊपर के जो परत होती है उसको जलाया भी गया था, उसके भी प्रमाण मिल गए हैं, उसे भी हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी फ्रूट्स लीव्स सीड्स वाइल्ड ग्रासेस सेजेस पाम्स वाइल्ड बनाना राइस कल्टिवेटेड राइस ये सब के जो भी वहाँ पे अवशेष मिले हैं वो केमिकल एंड डाइजेशन मेथड से या एशिंग मेथड से जैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात आई, जो कि टेबल नंबर 1-2 में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ये चित्र देखकर इसके नीचे लिखा, इन जनरल द सैंपल्स कंटेंड अबंडेंट एंड डाइवर्स फाइटोलिथ्स डेट वेयर मोस्टली फ्रॉम ग्रासेस एंड अदर हर्बेशियस प्लांट्स। मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं। अब जड़ी बूटियाँ किस सभ्यता के प्रमाण है भाई? आयुर्वेद का प्रमाण है। टाइपिकल फाइटोलिथ्स मॉर्फोफाइट्स बाइलोबेट सैडल ट्रेफिजोफॉर्म शॉर्ट सेल इलोंगेट साइलेट इलोंगेट ग्रेन्युलेट। तो इसके अंदर कुछ स्पीशीज के बारे में बताया है जिसके सैंपल वहाँ पे हमको मिलते हैं। इस ये साइंटिफिक नेम के अंदर है, आप इसका प्रसिद्ध जो नाम है आजकल लोक में वो गूगल इत्यादि से करके देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ मिला है उसके सैंपल। इसके आगे लिखा है, फाइटोलिथ्स फ्रॉम हर्बेशियस टैक्सा डोमिनेटेड 60% इन लेयर 8 में। लेयर 8 में इनको मिलता है। इसके अंदर भी जो बहुत सारे हर्बेशियस बहुत प्लांट्स के इसके अंदर डिपॉजिट मिले हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे यहाँ पे ये चित्र देख लीजिए, ये डिपॉजिट कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलते हैं वहाँ पर। ये आर्कियोलॉजिकल साइट के प्रमाण है एकदम, जिसको कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में करके यहाँ पे चित्रांकित दिया गया है। यहाँ भी कुछ भिन्न भिन्न तरह के हब्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर यह भी लिखा है कि सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एनवायरनमेंट वेर लोकल हर्ब डोमिनेटेड। यानी यहाँ पर जो हर्ब की खेती है वही ज़्यादा प्रचलित भी है और प्राचीन समय से ये करते आ रहे हैं परंपरा दर परंपरा। हर्ब डोमिनेटेड हैबिटेट्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ फाइटोलिथ्स फ्रॉम साइपरसी एंड PSC वुड स्पीशीज भी मिले हैं कुछ, और कुछ डाइकोटाइलेडोनस स्पीशीज भी मिले हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे दूसरे पेज पे, फ्रिक्वेंट फायर्स आर कंसीवेबल इन राइपेरियन वेजिटेशन एसोसिएटेड विद ड्रायर क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट इज ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ कंबशन द कॉजेस ऑफ फायर आर ऑल्सो करेंटली अनक्लियर। यानी फायर होने के कारण अभी अनक्लियर है, हो सकता है ये जलाया गया हो सकता है ये प्राकृतिक रूप से जल गया हो। These early Pleistocene layers are rich in Acheulean artifacts made from fine to coarse grained quartzites. मतलब इस समय पे कुछ artifacts मिलते हैं comprising large cutting tools including hand axes यानी कुल्हाड़ी clevers picks and uniface
एंड अदर लार्ज फ्लेक टूल्स, अ स्मॉल फ्लेक टूल कंपोनेंट एंड वेस्ट फ्लेक्स। अब इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए मित्रों। आप सोचिए कि जो राइस की कटिंग होती है, इतने सारे हब्स इत्यादि की जो कटिंग होती है, क्या वो पत्थर से कटिंग हो सकती है? तो भी ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे एक हाइपोथेसिस दिया जा रहा है कि इस समय पे ये टूल्स मिलते थे, क्योंकि पत्थर के अवशेष इतने लाखों साल से मिल सकते हैं, बाकी सारे मेटल नष्ट हो जाते हैं भाई। जो हम ये बोलते हैं कि इतना बुद्धिपूर्वक इसने राइस के हार्वेस्टिंग की, तो ये हाइपोथेसिस यहाँ पर कोई बैठती नहीं है कि ये लोगों के पास काटने के लिए केवल पत्थर के टूल्स थे। इनके पास शार्प मेटल्स की टूल्स नहीं थी, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, जो कि ये रिसर्च पेपर में एक हाइपोथेसिस दिया जा रहा है बस। यहाँ इस चित्र में भी देखिए, चावल के कई वैरायटीज मिल रहे हैं, सैडल शेप्ड, बिलोबेट टाइप्स, बहुत सारी यहाँ पे खेती के अवशेष यहाँ मिल रहे हैं। इस फोटो में भी देखिए, ये सारे अवशेष हैं जो फाइटोलिथ्स मिले हैं, उसके भी यहाँ पे फोटो देख लीजिए। और अधिक मात्रा में यहाँ पर सेज और ओराइजा राइस की एक प्रकार का हार्वेस्टिंग का यहाँ प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर यही विचार करिए कि पूरा पाषाण काल में ये राइस हार्वेस्टिंग कौन सा जीव करता था, और इतनी बुद्धि उस जीव में कहां से आई कि वो शाकाहारी अपनाकर मांसाहारी शिकार खेलना इत्यादि छोड़कर इतना मेहनत वाली खेती कर रहा है। फिर ये भी प्रमाण सब देखते चलिए साथ में। अब ये देखिए मित्रों, बर्न्ड राइस हस्क, इसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि चावल की इन भूसियों को कट करने के बाद बर्न्ड का प्रमाण अगर हमें मिल रहा, जलाने का प्रमाण मिल रहा है, तो ये लोग भी लिख रहे हैं कि ये फ्यूल के का जलाने और पकाने में काम आता था। अब सीधा कंक्लूजन क्या निकला वो देख लेते हैं। कंसीडरेशंस ऑन द प्लेस्टोसीन, पैलियंथ्रोपोलॉजी ऑफ साउथ एशिया हैव रेयरली बीन एड्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन, पर्टिकुलरली एट एंड अराउंड एक्सकेवेटेड साइट्स। एटीएम्स लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड होमिनिन ऑक्यूपेशन डेटिंग बैक टू द अर्ली प्लेस्टोसीन प्रोवाइड सच अ रिकॉर्ड। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, एटीएम मतलब अत्तरीपक्कम, जो हमारी इंडिया में एक साइट है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पर प्लेस्टोसीन की पूरा पाषाण कालीन कुछ फाइटोलिथ्स अवशेष मिले हैं, जो कि ये सिद्ध करते हैं एटीएम्स लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड होमिनिन ऑक्यूपेशन डेटिंग बैक टू द अर्ली प्लेस्टोसीन। मतलब यहाँ पे होमिनिन व्यवसाय और उपस्थिति यहाँ पर सिद्ध होती है अत्यंत प्राचीनतम काल से। और यहाँ पे लिखा प्रारंभिक प्लेस्टोसीन के भाग के दौरान यहाँ पर एक्चुअली होमिनिन्स बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं, इनका वर्चस्व यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर C4 क्लोराइड घास की एक महत्वपूर्ण कमी मिल रही है इनको, और C3 पुइड घास के मामूली घटक के साथ जो मुख्य चीज मिली है वो है ओराइजा सप्लीमेंट, यानी राइस की हार्वेस्टिंग यहाँ पे मिली है। उसी की भूसी और पत्ते के फाइटोलिथ के संयोजन से ये सिद्ध होता है कि होमिनिन ऑक्यूपेशन यहाँ पे अत्यंत प्राचीन काल से लगातार चली आ रही है, और आज जिस प्रकार से हम खेती कर रहे हैं वैसे पहले भी खेती यहाँ पे की जा रही थी, इसके अवशेष मिले। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर चिन्हित की गई है। द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक एंड फाइटोलिथ्स एंड द अर्ली एविडेंस ऑफ ओराइजा SPP आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फाइटोलिथ फिंगरप्रिंट एट ATM with scope for confirming the occurrence of seasonally dry climates, floods and fire events. ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है। As such, the phytolith proxies obtained in this study provide valuable pieces to the puzzle of understanding hominin microenvironments and local habitats in South Asia and of situating them in a more tangible ecological context than so far achieved. यानी ये बहुत प्राचीन और एक ऐसी खोज हुई है, होमिनिन उपस्थिति की सबसे बेहतर खोज हमारे भारत में हुई है आज 17 लाख साल पहले। ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे पजल्स को सुलझाने में काम आएगी। अब जो लोग बोलेंगे भैया ये रिसर्च पेपर ही हम नहीं मानते, तो पहले तो देखो भाई, ये रिसर्च पेपर छपी है साइंस डायरेक्ट में और एकेडमिया से भी पब्लिश हुई है, तुम लोग कौन हो अपना देख लो। बाकी अत्तरीपक्कम में उत्खनन शर्मा सेंटर ने इसको संचालित किया है, और जो कि कनेक्टेड है पुरातत्व विभाग, तमिलनाडु सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट में, और आर्कियोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रमाणिक गवर्नमेंटल सर्वे और रिकॉर्ड्स होते हैं। और ये पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर द जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में पब्लिश हुआ है, जिसकी इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छी है, 11 मिला है 88 में एंथ्रोपोलॉजी में। तो जिन्हें इससे समस्या है वे स्वयं का रिसर्च पेपर लिखकर इस पर केस ठोक सकते हैं यदि सामर्थ्य हो तो। और भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने इस सब को उत्खनन करवाया है, तो पाकिस्तानी लोग भी अपने रिसर्चर भेज करके इसका खंडन कर सकते हैं, हाँ यदि साइंस थोड़ा भी जानते हो तो। तो ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक रिसर्च पेपर है, इसको कोई भी विरोध करने से पहले इसका एक्नॉलेजमेंट पढ़ सकते हैं और फिर अपनी मूर्खता करने का बिल्कुल भी कोशिश कर सकते हैं।
और यही नहीं मित्रों, इसी के जैसा प्रमाण श्रीलंका में भी मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये रिसर्च पेपर देखिए, श्रीलंका में कुछ स्थानों पर फसलों और फलों की कटाई के साक्ष्य मिले हैं। अब जो ये मानेगा कि फार्मिंग प्राचीन काल से नहीं चली आ रही है, वे किस कैटेगरी के हैं आप समझ सकते हैं। ये पढ़िए, लेट प्लेस्टोसीन ह्यूमंस इन श्रीलंका यूज्ड प्लांट रिसोर्सेस अ फाइटोलिथ रिकॉर्ड फॉर फाइन रॉक शेल्टर। फाइन रॉक शेल्टर के यहाँ पे कुछ फाइटोलिथ्स रिकॉर्ड मिले हैं श्रीलंका के अंदर। तो कितने पुराने मिले हैं, तो आप रिसर्च पेपर में देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है 44,952 से लेकर 47,854 कैलेंडर ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, यानी 47,000 वर्ष पहले आज से 11,991 to 12,000 कैलेंडर ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। अर्थात यहाँ पे हमें फाइन रॉक शेल्टर्स में श्रीलंका में 43,000 से 47,000 साल पूर्व के फाइटोलिथ्स रिकॉर्ड मिले हैं श्रीलंका में। और इसमें लिखा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, फाइटोलिथ्स रिकवर्ड फ्रॉम AMS रेडियोकार्बन एंड OSL डेटेड सीक्वेंस एट फाइन रॉक शेल्टर इंडिकेट इंटरेक्शंस ऑफ एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस विद द लो लैंड रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न श्रीलंका। मतलब मॉडर्न ह्यूमंस की उपस्थिति लगभग 45,000 वर्ष पूर्व, और वहां भी खेती की वही प्रमाण देखने को मिल रही है जैसे कि 17 लाख वर्ष पहले। अब अगर हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण लगाएं, तो जैसा यहां पे मिल रहा है वैसा ही वहां पे मिल रहा है। इसका अर्थ यही निकलता है कि आज जैसे ही मॉडर्न ह्यूमंस वहां भी सिद्ध होते हैं। मूर्ख लोगों को तो कुछ मिला नहीं है, फिर भी बोलते वो होमिनिन जाति का कोई दूसरा स्पीशीज। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है मॉडर्न ह्यूमंस, क्या हेतु है, केवल थ्योरी पर ईमान लाना है। यदि यहाँ पर हार्वेस्टिंग की क्रिया अगर इंटेलिजेंट स्पीशीज की आप मान करके इसको मॉडर्न ह्यूमंस कह रहे हैं, तो इसी जैसा राइस हार्वेस्टिंग और वेजिटेशन आज से 17 लाख वर्ष पूर्व के भी अतरीपक्कम के राइस हार्वेस्टिंग वाले उस रिसर्च पेपर में था, तो वहाँ पे क्यों होमिनिन्स कह रहे हो? जो आपका हेतु यहाँ दे रहे हो वही हेतु वहाँ क्यों नहीं प्रयोग करो? क्योंकि आपके अंदर इवोल्यूशन थ्योरी घुसी है। यदि आप थ्योरी के आधार पर इसको कहते हैं कि इससे पहले मिल गया तो सारे के सारे होमिनिन दूसरे टाइप के हैं और इसके बाद मिल गया तो फिर मॉडर्न ह्यूमंस है, तो ये सबसे बड़ा एक स्यूडो साइंस और अंधभक्ति है जो ये विकासवादी सबको फैला रहे हैं। हम सब जानते हैं कि फार्मिंग के लिए, खेत जोतने के लिए पहले बुल्स चाहिए, ऑक्स चाहिए, और अगर पशुपालन है तो फिर मिल्किंग भी होगा, मिल्किंग होगा तो व्यवसाय भी होगा, व्यवसाय होगा तो बोलने की एबिलिटीज भी होगी, और ये सब होगा तो फिर वो मानव ही कहलाएगा ना भाई। फिर क्यों उसको आप कहते हैं कि ये नहीं, ये होमो इरेक्टस या कोई होमिनिन प्रजाति है? ये सारी इनकी थ्योरेटिकल, कोई प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ थ्योरी है, जबकि इनकी अनुमान एकदम गलत है। अब सिंपल सी बात है, यदि इनके पशुपालन कर रहे हैं तो खाद इत्यादि भी उन्हीं के गोबर इत्यादि से वे डालते होंगे, और राइस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन सब केसेस में यही सिद्ध होता है कि बुद्धि युक्त प्राणी ने ही ये सारे फार्मिंग इत्यादि किए हैं, जिसके प्रमाण आज प्रत्यक्ष हम देख कर जान सकते हैं कि वे मानव ही थे, यानी मानव की सिद्धि आज से 15 लाख वर्ष पूर्व हो रही है। सारे प्रमाण इवोल्यूशन के विरोध में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे AMS रेडियोकार्बन एंड OSL डेटेड, यानी इन सारे मेथड से इसको डेटिंग किया गया है। इसके आगे लिखा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रॉक शेल्टर ऑक्यूपेंट्स एक्सट्रैक्टेड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम अ नंबर ऑफ वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग बनानास, राइस, ब्रेड फ्रूट्स, ड्यूरियंस, कैनेरियम एंड स्पीशीज ऑफ पाम एंड बैम्बू। ये सारी ऑक्यूपेशन, ये सारे मॉडर्न ह्यूमंस के हैं, न कि कोई विकासवाद को सिद्ध कर रहा है। आज से 50,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग हम मानते हैं, यानी द्वापर युग ही ये सारे के सारे श्रीलंका के, और श्रीलंका और ये जो इंडिया का जो संबंध है ये रामायण को बहुत अच्छे से सिद्ध करता है। और यहाँ पे ये रिसर्च पेपर जो छपा है साइंस डायरेक्ट पे, इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ऐसा ही एक और रिसर्च पेपर है, इसमें भी सेम टू सेम बनाना की खेती हुई है, यही रिसर्च पेपर को उसमें भी बताया गया है, वो भी 44,000 वर्ष पूर्व की है। तो ये दोनों के दोनों स्थान रामायण को इंडिकेट करते हैं, इस वजह से भी रामायण बहुत प्राचीन और सत्य इतिहास सिद्ध होता है। तथा कोई प्रमाण नहीं है विकासवाद का कि वे खेती नियंडरथल्स की है या कौन से होमो सेपियंस की है। ये सारी बहुत दिमाग से ये सारी खेती की जाती है, और यदि उनमें बुद्धि है तो वे मननशील होने से मनुष्य ही सिद्ध होते हैं, न कि कोई एप जैसे दिखने वाले मानव। मनुष्य की फॉसिल्स की एजिंग ये लोगों ने अपने मन में पहले ही पूर्वाग्रह बना रखा है कि इतने काल के पहले कोई भी चीज मिले, कोई भी एविडेंस देखने को मिले, तो वे यही मानते हैं कि ये मनुष्य नहीं बना सकता।
हो ना हो ये विकासवाद के किसी स्पीशीज ने बनाया होगा। एक तरफ कहते हैं कि मानव एग्जिस्टेंस के प्रूफ दिखाइए, फिर जब एविडेंस मिलते हैं तो उस पर भी ये कह देते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम नहीं मान सकते क्योंकि विकासवाद की थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्क्लूजन पूर्व ही अपने मन में मान रखना, क्या ये अंधभक्ति नहीं? पूछिए दर्शकों, जब दूसरा कोई अनुमान दे तो ये उसे नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, डार्विन की थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अवश्य ही ये कोई पूर्व के बंदर ने बनाई है। ये भूल जाते हैं कि इनकी ये एक थ्योरी है न कि फैक्ट। परंतु इवोल्यूशन के बचाव करने के समय ये लोग इसको फैक्ट की तरह प्रस्तुत करने लगते हैं। यदि कोई होमिनिन प्राणी बुद्धि युक्त है, चिंतनशील है, मननशील है, घर बनाना जानता है, फार्मिंग करना जानता है, स्टोर करना जानता है, भाषा जानता है, उसको मेटलर्जी की नॉलेज है, उसे मॉनसून क्लाइमेट सबका नॉलेज है, उसको पता है कि कब इसको बोना चाहिए और कब इसे काटना चाहिए, उसे पता है कि इसे किस प्रकार से खाया जाता है, इसके गुण है कुछ, जो ये मांसाहार को त्याग करके, शिकार आदि त्याग करके शाकाहार को अपना रहा है और उसमें भी राइस की हार्वेस्टिंग जो इतनी कठिन होती है उसको अपना रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा ह्यूमन एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। तुम रामायण पे बात कर रहे हो, यहाँ पे 15 लाख वर्ष पूर्व का ह्यूमन एग्जिस्टेंस मिल रहा है। कहाँ 1 लाख वर्ष में बोलते हैं होमो सेपियंस ने इतनी सारी प्रगति कर दी, विज्ञान टेक्नोलॉजी सब में विकास किया है। तो सोचिए 15 लाख वर्ष पूर्व का एक इंटेलिजेंट सभ्यता, एक इंटेलिजेंट ह्यूमन सभ्यता का प्रमाण अगर हमें मिल रहा है, तो सोचिए 9 लाख वर्ष पूर्व रामायण जो हुई है वहां तक आते आते क्या ये सभ्यता एक अति उत्तम बुद्धि युक्त सभ्यता की ओर इशारा या हमारी ऐतिहासिक बातें के अनुमान को सुपुष्ट नहीं कर रहा? ये कोई बंदर बना ही नहीं सकता, ये क्या मूर्खता है। भारत की खुदाई में ऐसे बंदर दिखाओ ना। ये सब सिद्ध करता है हमारी सत्य सनातन प्राचीन वैदिक धर्म के ग्रंथों में जिस प्रकार से वर्णन आया है वैसा। यही प्राचीनतम इतिहास सनातन धर्म सदा से मानता है, जो कि ग्रेट कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन जी ने भी हमारे इस मत को अप्रिशिएट करते हुए अपने कॉस्मोस बुक में लिखा है। अब आपने राइस की सारी हार्वेस्टिंग देख ली, अब मैं आपको भीमबेटका के प्रमाण दे रहा हूँ। भारत में भीमबेटका केव्स बहुत प्रसिद्ध एक स्थली है और ये भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर संरक्षित की गई है। अर्थात जो ये आर्कियोलॉजी से इसकी बातें निकलेंगी वे ज्यादा प्रमाणिक है बजाय विकिपीडिया जैसे साइट्स के। भीमबेटका के आर्कियोलॉजिकल साइट पर यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, उस पर स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, रॉक शेल्टर नंबर 1, दिस शेल्टर हैज बीन गिवन द नंबर 3F23 बाय द डिस्कवर ऑफ दिस साइट श्री V.S. वकनकर। टोटल हाइट of this shelter is 20 meters from present ground level and is precariously balances on a narrow base. An excavation conducted for 4 continuous seasons from 1973 to 1976 brought to light the sequence of human occupation from the late Acheulean 1.5 million years to the end of Mesolithic period 10,000 before present. यानी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो 15 लाख वर्ष पूर्व के ह्यूमन ऑक्यूपेशन यानी ह्यूमन ऑक्यूपेशन की सिद्धि इस आर्यवर्त भूमि पे 15 लाख वर्ष पूर्व के भी मिल रहे हैं। ये खुद भारत सरकार की साइट है और ये प्रमाणिक उसके शिलाफलक है। टूल्स लाइक हैंड एक्स, क्लीवर्स एक्सेट्रा। अब पत्थर के क्यों मिल रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वही एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत लाखों लाखों वर्षों तक एग्जिस्ट कर सकता है, डिग्रेड नहीं होगा। बाकी सारे डिग्रेड हो जाएंगे तो ये प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है कि भाई कुछ मेटल जैसा कुछ मिल जाए वो क्यों नहीं दिखाते हो, कितनी मूर्खता भरी प्रश्न है बताइए। हैव बीन फाउंड फ्रॉम द लोअर लेवल, ठीक है ये यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से, आप पढ़ लीजिएगा बाकी सब। तो यहाँ पर कुछ आर्ट्स भी मिले हैं, आर्ट वर्क भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आर्ट वर्क तो किसी बुद्धि युक्त प्राणी ही कर सकता है, न कि कोई एप लाइक क्रिएचर जो कि भूखे नंगे घूम रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर आई है। अब ये अभिलेख देखिए, ये हाथीबाड़ा में रखे पुरातत्वविद सर्वेक्षण के ये शिलालेख है, इसमें देखिए क्या लिखा है। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सन 1957 से 58 में की गई है। इनमें 750 शैलाश्रय है जिसमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित है। यह स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा, यानी पूर्व पाषाण काल में भी मानव की सिद्धि हो रही है, यह आर्कियोलॉजिकल शिलालेख है। शैल चित्रों के विषय मुख्यतः रेखांकित मानवाकृति, शिकार, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध एवं प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकलाप के दृश्य है। यानी यदि वे प्री ह्यूमंस ने बनाए हैं तो उस समय ह्यूमन ही एग्जिस्ट करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी ड्राइंग देख देख कर बनाई है। वनीय मानव
चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्यतः हरा, गेरुआ, लाल एवं सफेद है। शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान 1,00,000 वर्ष प्राचीन है। इससे भीमबेटका के प्राचीन मानव के संतानात्मक विकास का कालक्रम विकास विश्व के अन्य प्राचीन समानांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और इस प्रकार से यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थल माना जा सकता है। तो ये प्रमाण आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल का ही ये शिला फलक है। अब देखिए रिसर्च पेपर में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक रिसर्च पेपर है, पैडी कल्टीवेशन ड्यूरिंग अर्ली होलिसिन एविडेंस फ्रॉम द डाई एटम्स इन लोरा डेवा लेक सेडिमेंट्स गंगा प्लेन। ये भी इंडिया में मिला है और 10,000 वर्ष पूर्व के पैडी कल्टीवेशन के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। आप सोच के देखिए भाई, ये सारी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग और ये सारी की सारी फार्मिंग करना कितनी बुद्धि युक्त प्राणी के लिए संभव है। यहाँ पे देखिए, इन द प्रेजेंट स्टडीज ऑन डायटम्स वर कैरिड आउट एंड एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रिकंस्ट्रक्ट द एवोल्यूशन ऑफ द लेक पैडी फील्ड कल्टीवेशन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन अराउंड द लोरा डेवा लेक ड्यूरिंग द लास्ट 10K A। कितने प्रमाण दिया जाए, कितने प्रमाण है जो कि ये मॉडर्न जो ह्यूमन कर रहे हैं वही प्राचीन भी ह्यूमंस कर रहे थे। इससे यहाँ ह्यूमन सिद्ध होता है तो वहाँ भी ह्यूमन सिद्ध होता है। लेकिन मूर्खों को क्या करना है, हर चीज में इवोल्यूशन की दृष्टि से देखना है, ये एक अंधभक्ति है। और जो ये कहते हैं कि आर्य इन्वेजन थ्योरी आर्य तो बाहर से आए हैं, वे भी गलत है। क्यों? तो देखिए हम इसे आर्य इन्वेजन थ्योरी वाली वीडियो में बताएंगे। फिर भी जो माइस माइग्रेशन थ्योरी है उसी से यहाँ से पूरे विश्व में आर्य सभ्यता बाहर गई ये सिद्ध होता है और आर्य इन्वेजन थ्योरी सब खंडित हो जाता है। ये अभी जान लीजिए। जो ये कहेगा कि भैया आइस एज था तो फार्मिंग कैसे हो रही है, तो पहले देखो रिसर्च पेपर ने सब जगह 1,700,000 वर्ष पूर्व भारत में राइस हार्वेस्टिंग का प्रमाण दिया है। और रिसर्च और अगर आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो आइस एज इत्यादि है भारत में तो फिर भी ग्रीन ग्रासलैंड्स थे उस समय। भारत को कोई आइस एज, कोई आपदा, कोई अफेक्ट नहीं कर पाया है। यार हम अपने विषय पर लौटते हैं। मनुष्य की जो हड्डियां हैं उसकी फॉसिल्स बनने के लिए बहुत सारे कुछ कारण हम जानते हैं। फॉसिल्स की खोज के लिए सबसे सुइटेबल इन लोगों ने अफ्रीका को समझा। अब अफ्रीका महाद्वीप जो है, हम सब जानते हैं कि वहां पर लार्ज एरिया में फॉरेस्ट कवर है, वहां पर मानवों का आना जाना बहुत कम है और फिर भी ये लोग वहीं पर जाके खुदाई करके एक थ्योरी दे रहे हैं। दूसरा कारण है कि सभी के सभी स्केलेटन्स फॉसिल्स नहीं बन पाते। मनुष्यों के बहुत कम फॉसिल्स बचती है और बचते भी वही है जो माइक्रोब्स से बच जाए। जो सूक्ष्म जीव सॉइल के अंदर होते हैं उनसे नष्ट होए बगैर ही अगर बच जाए तो वो ही फॉसिल्स आगे बन जाते हैं। और भी बहुत भूगर्भीय टेम्परेचर आदि कारण है जिससे कि हड्डियां एकदम सेफ रूप में फॉसिल्स का अच्छे रूप में धरती के नीचे मिल पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम कोई भी थ्योरी को परम प्रमाण नहीं कह सकते। तथा हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो दाह संस्कार किया करती थी, तो फॉसिल्स की एकदम अच्छे रूप में बच पाने की जो संभावना है बहुत कम रह जाती है। और इस कम होने के आधार पे हम ये नहीं बोल सकते कि इस काल के पहले केवल और केवल बंदर ही एग्जिस्ट करते थे और कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था और डार्विन की थ्योरी राइट है। ऐसे मानना एकदम लाल भुजक्कड़ की कहानी की तरह है। कुछ थोड़े प्रमाणों से आप कोई थ्योरी ऑथेंटिक थ्योरी नहीं कह सकते उसको। फॉसिल्स केवल उसी के मिलते हैं जिसका कि प्रेडिटर से रक्षण हो गया हो, जिसको प्रेडिटर नहीं खा पाया हो, उसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। और मैंने पूर्व भी कहा कि प्राचीन मानव जो वैदिक मानव है वे कभी ये मुसलमानों की तरह कब्र बना करके नहीं गाड़ते थे, तो बहुत ही संभावना कम है कि मनुष्य के अवशेष हमें प्राप्त हो। आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल पे अगर ठीक रूप से प्रिजर्वेशन जैसी कोई स्थिति या उसकी संरक्षण प्राप्त न हो तो तुरंत उस पर फंगस लग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पता नहीं क्या क्या, अर्थात डिग्रेडेशन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होते हैं। आप सबने विज्ञान में पढ़ा होगा कि कोई भी आप रेगिस्तान डेजर्ट में देखेंगे कि शंख और शीप मिलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहा जाता कि शंख और शीप वहां जाकर के घूमने गए थे, बल्कि यही अनुमान निकलता है कि कभी ना कभी यहाँ पर समुद्र था और इसी वजह से उसके शेल्स वहां पर अब मिल गए, सूख गया। तो इसी प्रकार फॉसिल्स को मानना चाहिए कि जो भी इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जो फॉसिल्स को सड़ाने, गलाने और मिट्टी में मिलाने के कार्य करते हैं, जो डिग्रेडेशन करते हैं, उनके इस चक्रव्यूह से जो बच जाता है वही फॉसिल्स आगे तक एग्जिस्ट कर पाता है। बाकी समस्त फॉसिल्स डिग्रेड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसमें भी अगर आप
जो अवशेष मिल रहे हैं उसमें आप नई थ्योरी ला देंगे कि नियंडरथल है, होमो इरेक्टस है, ये है वो है, टूटी फूटी हड्डियां मिली, कुछ एक अवशेष मिल जाते हैं उससे आप नई थ्योरी रचने लगेंगे, तो ये केवल चालाकी कहलाई जाएगी, कोई सत्य नहीं है। अब ये देखिए दर्शकों, ये है होमो इरेक्टस की खोपड़ी, ये इतनी टूटी फूटी अवस्था में मिला है, ये जो इसके अंदर ब्राउन कलर दिख रहा है ये है उसका वास्तविक ढांचा जो मिला है जमीन के नीचे से, और जो भी इसमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये लोगों ने स्वयं आर्टिफिशियली इसके अंदर जोड़ के कुछ का कुछ बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉसिल्स में इतनी ज्यादा धांधली इन लोग किए हैं जितना हम इस वीडियो में नहीं बता सकते। इन लोगों के इतने कम अवशेष मिलते हैं हड्डियों के और उस पर भी ये लोग इतना लीपा पोथी करके अपने मन से उसको बना देते हैं, ये सारे चाल आप पकड़िए। अब देखिए मित्रों, जो कहते हैं कि लिपि की खोज हड़प्पा से पहले हुई ही नहीं थी, या फिर लोग लिखना नहीं जानते थे, लिखने का कोई कार्य नहीं करते थे, वे अब चौंकने वाले हैं। मोर देन 5 लाख ईयर्स से पुराना शेल पर कार्विंग्स, इसे समस्त विद्वानों ने अननेचुरल और मैनमेड बताया है। ये शेल के ऊपर जिगजैग रूप में डिजाइन उकेरी गई है, और डिजाइन शेल पे कौन करता है, कोई जानवर करता है क्या? और करेगा तो क्यों करेगा, शोपीस के लिए, अपने को सजाने के लिए, कुछ सजावट डेकोरेशन के लिए तो करेगा। तो ये मिला है, इससे मानव एग्जिस्टेंस आज से 5.5 लाख साल पहले सिद्ध होती है। ये नेशनल ज्योग्राफिक की ऑफिशियल साइट पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्ट, ये संज्ञा ये लोग देते हैं, अर्थात ये नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, और वो भी इसे ज्योमेट्रिक आर्ट कह रहे हैं। द्वापर युग में ज्योमेट्रिक आर्ट के सिद्धे, अ जैग्ड लाइन एज्ड ऑन अ फॉसिल मसल शेल मे बी द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ज्योमेट्रिक आर्ट, फोटोग्राफी बाय विम लस्टनहावर, वीयू यूनिवर्सिटी एम्स्टरडैम। और ये सारी कलाकृति किसी सुई जैसी धारदार इंस्ट्रूमेंट से की गई है, जैसे कि आज सोनार इत्यादि डिजाइन बनाते हैं, और उसके लिए भी कोई मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मेटलर्जी की नॉलेज चाहिए, ज्ञान की उच्चता चाहिए, और बॉडी पार्ट्स बहुत विकसित होने चाहिए जिससे कि परफेक्टली बना करके डिजाइन निर्मित हो सके। अब ये एक और साइट पर ये पड़ी है, इसमें तो इसका डेटिंग और भी प्राचीन बताया है, डेटेड टू बिटवीन 1 million and 7 lakh ईयर्स ओल्ड, 7 से 10 लाख वर्ष पूर्व। इट्स स्ट्रेंज टू सी अ ज़िगज़ैग पैटर्न ऑन सच ओल्ड फॉसिल शेल्स। ये आप क्लियर इसकी इमेज देखिए, कितनी शार्पली ये रेखाएं उकेरी गई है, और इसकी शार्पनेस तो देखिए कि यहाँ पर एकदम धारदार चीज से किया गया, इसीलिए माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ अ लाइन एनक्रेव्ड बाय होमो इरेक्टस इनटू अ स्यूडोडोन शेल, कितनी धारदार चीज से इसको उकेरा गया है देख सकते हैं आप, यानी उस समय की टेक्नोलॉजी का ये प्रमाण दे रहा है। तो जिस प्रकार से ये बंदर दिखा रहे हैं वैसे आज के कोई भी बंदर ऐसे टूल्स नहीं बना सकते, ऐसे उत्कृष्ट डिजाइन्स नहीं बना सकते, इससे ये बंदर होना भी खंडित होता है। अब ये देखिए रिसर्च पेपर छपा है, ये रिसर्च गेट साइट से हमने लिया है, होमो इरेक्टस एट ट्रिनिल ऑन जावा यूज्ड शेल्स फॉर टूल प्रोडक्शन एंड एंग्रेविंग। इसके अंदर भी स्पष्ट रूप से 0.54 से 0.10 मिलियन ईयर्स लिखा है, अर्थात 5 लाख साल पहले। ये इसके कुछ चित्र हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से उसमें उकेरी गई है, उसकी पूरी डिटेल्ड ये रिसर्च पेपर है। अभी ये डेसिफर नहीं किया गया है कि क्या ये लिपि है या फिर ये सिर्फ ज़िगज़ैग रूप है, लेकिन ये तो जरूर अनुमानित कर लिया गया है कि ये किसी एकदम पतले निडल से और अच्छे से लिखा गया है जो कि कोई बंदर नहीं कर सकता, मानव ने किया है। और अगर निडल की आविष्कार उस समय हो गई थी, जो लोग कहते हैं कि केवल स्टोन टूल्स जैसे बड़े बड़े हथियार ही केवल बनाए जाते थे, जैसा कि हमने पूर्व की रिचर्ड डॉकिंस वाली वीडियो में खंडन भी किया है कि ये किसी कार्य के लिए बनाए जाते थे, पत्थरों का यूज भी किसी न किसी कारण के लिए तो होगा, और वही तो मिलेंगे आगे, ऐसे ही ये नीडल का प्रमाण एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है विकासवादियों पर कि नीडल जैसी चीज भी उस समय बनती थी, और पत्थरों पर उकेरने की परंपरा आज नहीं बहुत लाखों वर्ष पुरानी है। ये प्रमाण देख के अवश्य ही विकासवादियों के पसीने छूट रहे होंगे, वो तो छूट नहीं है, असत्य फैलाओगे तो यही होगा। अब देखिए समस्या ये है कि इनको पाइप दिखाएं, या फिर ये सीप के ऊपर नकाशी दिखाएं, या फिर आप कोई भी हार्वेस्टिंग कुछ भी ला करके दिखाइए, इनकी समस्या ये है कि ये कह देंगे ये नियंडरथल ने बनाया। इनके अंदर पहले ये पूर्वाग्रह है कि ये मानव बना ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी थ्योरी वॉयलेट हो जाएगी। तो
तो आप बताइए इन लोगों को उत्तर देकर कोई फायदा होगा या नहीं होगा? जब ये मानेंगे ही नहीं तो ये लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? फिर बोलते हो कि इवोल्यूशन ही साइंस है, यही सत्य है। अपनी अंधभक्ति तो त्यागो। ये जितने भी बिग बैंग इत्यादि जो इन लोगों की फेक थ्योरीज है, ये सब घुनाक्षर न्याय जैसे ही है। घुनाक्षर न्याय संस्कृत की एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक लकड़ी है, लकड़ी का फट्टा है, उस पर घुन यानी दीमक इत्यादि ने उसको खाते 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 कुछ अक्षर बना देते हैं। ये कोई पर्पसफुल या गोल या इच्छा संकल्प से नहीं करते हैं, वो अपने आप फॉर्म हो जाता है। ये पूरी बिग बैंग, इवोल्यूशन, एबायोजेनेसिस, ये सब घुनाक्षर न्याय का ही उदाहरण है। ये मूर्ख लोग बोलते हैं पूरा संसार का कोई गोल नहीं है, ये अपने आप बन गई। इन लोगों के पास उत्तर है नहीं कि बिग बैंग किस प्रकार से बना, कैसे ये इस फॉर्म में आया था, जिधर से ये बिग बैंग हो गया उसके बाद का ये अपनी थ्योरी बताते हैं कि हम इसका आगे का बता सकते हैं, परंतु उसके पूर्व का ये नहीं बता सकते। ये पूरा का पूरा घुनाक्षर न्याय है, इसको तो हमारे शास्त्र 1% भी प्रमाणिक नहीं मानते। इसी वजह से मैं इन सब का विरोध करता हूँ। ये लोग हर चीज प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अब आप ही सोचिए ये कितने मूर्ख लोग हैं। हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से आ सकता है? मान लीजिए एक जंगल है, मैं आपको दर्शनों का ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो मान लीजिए एक जंगल है और दूर से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। अब ये जो पोप लोग हैं, इन लोगों को अगर ये पता करना है कि ये धुआं किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, तो ये 50 बार 100 बार हर बार जाकर के देखेंगे कि भाई इसका कारण क्या है। कि एक बार ये जान लिया कि आग जहाँ पे उत्पन्न होती है वहाँ पर धुआं दिखेगा, धुआं दिख रहा है तो इसका कारण अग्नि है। अब ये एक बार हमने प्रत्यक्ष कर लिया, बार बार इसका हम अनुमान से हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये मूर्खों के पास सामान्य तो दृष्ट न्याय ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी विज्ञान के पास यही है कि वे अनुमान सामान्य तो दृष्ट से कभी नहीं करते। भले ही अभाव को मान लेते हैं, हाइपोथेसिस मान लेते हैं, परंतु इतनी सुंदर सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण को मानने में ये मूर्ख पीछे हो जाते हैं। खैर, हमें यही समझाना था कि कार्य को देख के कारण का अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान प्रमाण भी माननीय होना चाहिए। कोई स्पीशीज किसी कारण से, किसी आपदा से दब जाए, किसी पत्थर के बीच में जब दब जाए, उसका फॉसिल्स फॉर्म हो जाए, तभी तो जाकर के उसका हम एक्सकेवेशन आदि से निकाल सकते हैं। परंतु मनुष्य ऐसा बुद्धिशील प्राणी है कि वो तो बच जाएगा, वो तो भाग जाएगा, वो दबेगा क्यों? तो जहाँ संभावना अत्यंत कम है वहाँ लगाया जाता है लॉजिक, वहाँ लगाया जाता है अनुमान प्रमाण। उसके लक्षण को देख करके हम लक्ष्य को साधते हैं। नियंडरथल्स और होमोसेपियंस में क्या अंतर है? इन लोगों ने हर एक स्पीशीज भिन्न भिन्न बना दिए। इसके आगे मिला तो ये नहीं, ये दूसरी स्पीशीज है। इसके आगे मिला तो नहीं, ये दूसरी स्पीशीज है। अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। हड्डियों के पार्ट्स कितने मिले? टूटे फूटे, बिखरे बिखरे, किसी के पैर नहीं तो किसी के कुछ नहीं, किसी के तो केवल हिप बोन मिले हैं तो किसी के कुछ मिले हैं, और उसमें भी इतनी धांधली की है। ये पिन डाउन मैन में भी इसने ऐसे ही किया है। कहीं पे सुअर के दांत लगा देते हैं, कहीं पे कुछ लगा देते हैं, और झूठ मूठ का 40-40 वर्ष मूर्ख बनाते हैं लोगों को। बाद में पकड़े जाते हैं तब इनका एक्सपोज होता है। इन लोगों पर हम विश्वास किस प्रकार से करें? ये लोग प्रश्न करते हैं आपकी वैदिक सिद्धांत सिद्ध नहीं हो रही, और हवाला विज्ञान का देते हैं। कल तक विज्ञान कुछ और कह रहा था, फिर उसके बाद 5 साल बाद कुछ और निकालता है, फिर उसके बाद और 5 साल बाद नई थ्योरी लेके आ जाता है। हम पूछते हैं कि विज्ञान तो कोई भी एक मत पर टिक ही नहीं रहा है, तो आपकी थ्योरी को हम एक पक्षी क्यों माने? आपका कोई मत ही हम क्यों स्वीकार करें जब आप ऑन गोइंग प्रोसेस में हो? यही तो फाइनमैन भी कहते थे अपने बुक में। विज्ञान के ये सारी थ्योरीज को अंतिम कंक्लूजन ये नास्तिक बना रहे, हम नहीं। समस्त साइंस के छात्र यही समझते हैं कि विज्ञान कभी अंतिम कंक्लूजन नहीं देता, वो लगातार खोज करते रहता है, उसको नया कुछ मिलता है, उसकी वॉयलेट हो जाती है थ्योरी, तो चेंज हो जाती है। परंतु नास्तिकों को ये सारी बातें समझ ही नहीं आती। इन लोगों का भी ऐसा ही है। विज्ञान के नाम पर ये लोग किसी पर भी कोई भी सिद्धांत थोप रहे हैं, तर्क करना ही नहीं देना चाहते। फिर आप में और कुरान बाइबल इत्यादि में क्या फर्क है? हड्डी देख करके इन लोग ये बता देते हैं उसके कहाँ पे कान थे, कितनी दाढ़ी थी, कितने जगह बाल थे, पूरे शरीर पे बाल था, उसकी आंखें कौन से रंग की थी। ये सब कुछ ये झूठे झूठे हाइपोथेटिकल बना करके आपको परोस देते हैं। और ये भी आप विचार कीजिए कि जो गेहूं की खेती वो तो फिर भी आसान है, परंतु जो राइस हार्वेस्टिंग है, राइस की फार्मिंग है, वो बहुत कठिन होती है। उसकी वाटर मैनेजमेंट करना, फिर उसको पानी से निकाल के फिर दूसरी जगह बोना। आप यदि तर्क से सोचेंगे तो दो चीज़ें पृथ्वी पर मिलेंगी, एक तो अपने आप होती है, एक होती है जो मैन मेड है, खेती। आज वर्तमान में जितने भी जानवर है जो मनुष्य से अतिरिक्त है, कीट पतंगे, पक्षी, बंदर,
गोरिल्ला, चिंपैंजी, कोई भी लो आईक्यू हो, वो कोई भी खेती नहीं करता है, ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, दृष्टांत नहीं है। और यहाँ पर स्वाभाविक ज्ञान का भी कोई तर्क काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्वाभाविक ज्ञान बंदरों में होता तो फिर पूर्वजों को देखा देखी चिंपैंजी भी खेती इत्यादि कर लिए होते, परंतु वे नहीं कर पाए। अर्थात नैमित्तिक बुद्धि केवल और केवल मनुष्य में ज्यादा दी जाती है ईश्वर द्वारा, और प्रेजेंट में जितने भी जानवर है उनके अंदर ऐसी कोई खूबी या बुद्धि नहीं है कि वे खेती कर सके। तथा हम ये भी जानते हैं कि बिना सिखाए ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। यदि आप जंगल में किसी बच्चे को रख देंगे तो वह सब कुछ नहीं सीख सकता, यदि उसको सिखाया जाए तो बिल्कुल सीख जाएगा। इससे भी प्रारंभ में एक गुरु का होना आवश्यक मानना चाहिए। अब हम आते हैं सीधा कि ये मनुष्य ने की या फिर होमिनिन किसी प्रजाति ने की, जैसा कि रिसर्च पेपर में आया था। तो देखिए, इसके लिए आपको प्रमाण लाना पड़ेगा, एविडेंस लाना पड़ेगा। तो एविडेंस क्या है? कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ मिला है नहीं। यहाँ पर अब हम अनुमान का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से कोई अपने पूर्वज को नहीं जानता, लक्षणों और नाम इत्यादि से जान सकता है, तो वो कुछ प्रमाणों को देख करके उसे जान सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी, न कि कोई थ्योरी। अब विचार करते हैं इन लक्षणों से कि ये किस प्रकार की प्रजाति ने बनाया है। अब राइस की हार्वेस्टिंग करने के लिए एक बुद्धि युक्त कर्ता देखने मिलता है। बोलोगे कि कैसे? तो देखिए, जब चावल जब पक जाता है तो उसको पीटना पड़ता है, तो फिर आप किस पे पीटते हो? तो कोई लकड़ी का फट्टा। अगर वो लकड़ी का फट्टा इत्यादि बना सकता है पर्वत पे, तो नहीं पीटेगा। अब पीटेगा तो फिर उसको बीन करके कैसे वो इकट्ठा करेगा? ये सारी थिंकिंग से यही लगता है कि पग पग पर ऐसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, तो अवश्य ही ये स्पीशीज मेटल्स के कटिंग टूल्स भी बनाना जानता था। और मेटल्स के लिए आपको मेटलर्जी की नॉलेज होना चाहिए, माइनिंग के नॉलेज होना चाहिए, आपको आर्टिफैक्ट्स और वुडन प्लेन्स कट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे औजार बनाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। और जिसके पास नॉलेज होता है वो बुद्धि युक्त प्राणी होता है। पशुपालन आना चाहिए, सॉइल का नॉलेज होना चाहिए। और ये सारी नॉलेज कहाँ से आ गई? आसमान से टपक गई? इस पर भी इवोल्यूशनिस्ट कोई जवाब नहीं दे पाते। जो कहो कि व्हील्स बनाना, बर्तन बनाना, चावल पकाने के लिए जो बर्तन बनाना, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो बना सकता है, वो मेटलर्जी और शस्त्र बनाने के लिए उसके ढांचे तैयार करना, ये सारे नॉलेज भी वो रखता है। अपने शस्त्रों को धार देने की भी नॉलेज उसको आनी चाहिए। और ये सब नहीं करना आता है तो आप चावल को हार्वेस्टिंग कभी कर ही नहीं पाएंगे। और इसके बाद में आपको चावल कूट करके उसका जो ऊपर की जो छिलका होता है उसको भी अलग करना है। आप सोचिए कितनी मूर्ख थ्योरी है इवोल्यूशन की। ये सब भी ये बंदर लोगों में नॉलेज पहले से था, इसका कोई कारण वे नहीं बता पाते। अरे, आपको कोई आम नहीं तोड़ना है पत्थर फेंक करके कि आम पत्थर फेंक दिया और आम तोड़ गया और खा लिया। राइस को खाना है, राइस पका करके खाना है। हर चीज की पग पग पर नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ा इवोल्यूशन का खंडन यहाँ पे हो रहा है कि आप कोई भी प्री ह्यूमन या होमिनिन प्रजाति नहीं कह सकते, इसको ह्यूमन ही कहना पड़ेगा आपको 17 लाख वर्ष पूर्व। आपको ब्लेड जैसी धार चाहिए, गांव में इसको हंसुआ कहते हैं, जिससे आप ये चावल की कटिंग कर सकते हो। आपकी बॉडी पार्ट्स, ब्रेन, हार्ट और फिंगर्स, ये सब कुछ आपके वश में होना चाहिए, जो कि पशुओं में अक्सर नहीं दिखता है। हर जगह फाइनली वर्क करना आना चाहिए। अगर आप इवोल्यूशन की प्रक्रिया में इतनी फाइनली वर्क अगर पहले बोल दिए, तो फिर वो भी माना भी मान लो, आपकी इवोल्यूशन थ्योरी यहाँ पे सिद्ध नहीं हो रही है। भाई, इतनी मेहनत, आग निकालना कितनी मेहनत की बात है, और वहाँ पे बर्निंग हस्क भी मिले हैं। ये सब करना एक मॉडर्न ह्यूमन के लिए तो ठीक है, परंतु आपके एंसेस्टर और कोई एप लाइक क्रिएचर किस प्रकार से कर सकता है, बोली? और जितने प्रमाण दिखते हैं उसे ये लोग मॉडिफाई कर देते हैं। ये कोई कॉमन एंसेस्टर का होगा भाई, ये तो वैसा ही होगा जैसे मुगल काल में मुगलों ने राज किया, उनका काल था, वे राज कर रहे थे, आज आपका काल है, आप राज कर रहे हो। झूठ फैलाना है, सत्य को ग्रहण करना नहीं है, असत्य का त्याग करना नहीं है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि प्राचीन मानव, आदि मानव हाथी मार करके खाते थे, मांसाहारी थे और बहुत सारे शिकार आदि खेलते थे, तो ये सारे रक्तपात छोड़ करके इतनी मेहनत वाली खेती, राइस हार्वेस्टिंग कोई कर रहा है, शाकाहार की ओर बढ़ रहा है, इतना जान पूर्वक शाकाहार को अपना रहा है, उसे राइस कुक करना आता है, वो ग्रेन कलेक्शन जानता है, उसका घर है, क्योंकि घर तो चाहिए ही भाई, अपना ग्रेन रखेगा कहाँ? सड़क पर बिखार देगा क्या? सारे नष्ट कर देंगे पशु। और ग्रेन कलेक्ट करके अगले मौसम के लिए भी रखना पड़ेगा, फिर बीज खत्म हो गए तब क्या करेंगे?
और जो ये भोग्य भोक्ता संबंध है कि भाई आपको भूख लगी है और आपको ग्रेन्स भी मिल गए, ये भी इवॉल्व हो गया और कैसे अनगाइडेड प्रोसेस से, गुणाक्षर न्याय से, कि अपने आप कुछ भी बन गया बिना पर्पस के, सब कुछ बनते जा रहा है। तो जो भी ये स्पीशीज ने बनाया उसको घर चाहिए अपने ग्रेन्स रखने के लिए, उसको नॉलेज है मौसम का, उसको बार बार खेती करने के लिए अपने ग्रेन्स को यूज करता है, और सबसे बड़ी बात वो शाकाहार अपनाता है जो कि एक आर्यों के गुण कर्म स्वभाव है। तो इससे तो ये आर्य सिद्ध होता है, क्योंकि आर्य कोई जाति सूचक नहीं, आर्य गुणवाचक है, ये आर्यों की सिद्धि होती है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको और विचार करना चाहिए कि अगर कोई धान की खेती कर रहा है जीव, तो उसको भाषा की जरूरत है या नहीं। यदि कहोगे कि हाँ व्यवहार इत्यादि के लिए ग्रेन्स को अगर व्यवहार करना है, आपको एक दूसरे से व्यवसाय करना है, ऑक्यूपेशन भी लिखा था वहाँ पे, तो आपको भाषा की जरूरत है, एक दूसरे को उपदेश दे सकेंगे। क्योंकि खेती एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क है और इतना बुद्धि अगर उस प्राणी में है तो फिर भाषा का भी उसे नॉलेज है, इसका पूरा संकेत मिलता है। मूर्ख व्यक्ति तो खेती नहीं करेगा। और भाषा, व्यवसाय, खेती, नॉलेज सब होने से वे कपड़े भी पहनते थे, घर भी था। इन सारे चीजों के लक्षण देख के आपको क्या सिद्ध होता है, ये मॉडर्न ह्यूमन है या होमिनिन प्रजाति? लक्षणों से सिद्ध कर रहे हैं हम, इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी होमिनिन प्रजाति कह दो, काल्पनिक हाइपोथेसिस मार दो, कार्य को देख के कारण का अनुमान लगाया जाता है। और जो नास्तिक अनुमान को नहीं मानता है, वे अपने दसवीं पीढ़ी के बाप दादे को बता दे, अगर नहीं सिद्ध कर सकता है प्रत्यक्ष से, तो हम ये भी कह देंगे कि तू बिना पूर्वज के ही आसमान से टपका है, बोलो कुछ सिद्ध कर सकते हो? तो देखिए, अनुमान प्रमाण भी बहुत महत्व रखता है। और कोई कहेगा कि भाई जंगल में बीज उग गए थे, उसी को वहां से ले आया। हम पूछना चाहते हैं उस जीव ने उसको आइडेंटिफाई किस प्रकार किया होगा, क्योंकि जब तक चावल को कोई पका के, बॉईल करके, कुक करके उसको नहीं दिखा देता है, कोई भी पहली झलक में उसको समझ ही नहीं पाएगा कि चावल को आखिरकार किस प्रकार से पकाया जाता है, क्योंकि उसकी बहुत लंबी प्रोसेसर होती है, बहुत लंबी। और इससे परमात्मा की भी सिद्धि होती है कि आदि सृष्टि में किसी ने ज्ञान दिया है। अच्छा, 17 लाख वर्ष पूर्व से तो था ही है ज्ञान, इतना तो इस रिसर्च पेपर से भी सिद्ध होता है। और बिना ईश्वर की यह सृष्टि बन जाना अत्यंत हास्यास्पद है। एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिना किसी कर्ता के बन जाए। सबसे बड़ा खंडन हमने बैक्टीरियो फ्लैजिलम से इन लोग का कर रखा है, इन लोग की रातों की नींद उड़ चुकी है। सेल इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो भी हमें नहीं बन सकते, प्रोटीन नहीं बना पाए ये लोग आज तक, ये लोग क्या ईश्वर को नकारेंगे? और जो नहीं मानते हैं उनके पास कोई हेतु, तर्क या उदाहरण, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं है इन लोग के पास, इसी वजह से इनका पक्ष भी मजबूत नहीं है। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसके लिए हम पूरी बातें यहाँ नहीं बता सके। चिंता मत करिए, नेक्स्ट पार्ट भी इसी टॉपिक पर, जिसके अंदर हम राम सेतु का रहस्य उजागर करेंगे, श्री रामचंद्र पे उठ रहे एक एक सवाल का जवाब देंगे, वेदों की प्राचीनता पर बुद्धिज्म का सच बताएंगे, जो लोग वेद इत्यादि का डेटिंग करते हैं ये भी समीक्षा होगी, और जो लोग संस्कृत को बहुत बाद की बताते हैं, वेद को बहुत बाद का बताते हैं, उन सब का खंडन अगले वीडियो में विद साइंटिफिक स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ हम देने वाले हैं, वो इसी का पार्ट टू होगा। तो दर्शकों, इस वीडियो में अगर हमने त्रेता युग में आज से 17 लाख वर्ष पूर्व मानव की सिद्धि की और विकासवाद का खंडन अच्छे प्रकार से किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करिए, और हमें कमेंट के द्वारा भी अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते जी।